सलामुअलैकुम। मैं आपका दोस्त अबू बकर सिद्दीक। आज मैं बनाऊंगा मसाला कलेजी मेरे स्टाइल में। चलिए आपको मैं बतलाता हूँ किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। ये देखिए कलेजी ले लिया हूँ मैं। प्याज कटी हुई 4 डली, कोतमीर, पुदीना, दही, हरी मिर्च, 2 टमाटर। ये देखिए कढ़ाई पर कढ़ाई रख लिया हूँ मैं चूल्हे पर। अब इसमें डालूँगा मैं पानी। अब इसमें डालूँगा मैं हल्दी 1/2 चम्मच, और इसमें डालूँगा मैं 1/2 चम्मच नमक। पानी में कलेजी डाल लूँगा मैं। अब इसे मैं थोड़ी देर के लिए उबाल लूँगा। उबालने से स्मेल भी चली जाएगी और साफ़ भी हो जाएगी कलेजी। जब तक कलेजी उबलती है मैं प्याज को चॉप कर लूँगा, हरी मिर्च और कोतमीर डालकर। ये देखिए प्याज को मैं अच्छे से चॉप कर लिया हूँ। अब दही को भी मैं अच्छे से फेंट लेता हूँ। ये देखिए अच्छे से साफ़ हो चुकी है कलेजी। ये देखिए अब इसे मैं निकाल लेता हूँ। ये देखिए कढ़ाई चूल्हे पर रख लिया हूँ मैं। अब इसमें डालूंगा मैं कुकिंग ऑयल। ये देखिए तेल गर्म हो चुका है। अब इसमें डालूंगा मैं प्याज जो मैंने चॉप कर लिया था। प्याज को मैं थोड़ी ब्राउन होने तक तलूंगा। अब कलेजी में मैं मसाले डाल लेता हूँ। 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, लाल मिर्च पाउडर 2 चम्मच, 1/2 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच फुल नमक, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर। ये देखिए प्याज थोड़ी सी ब्राउन हो चुकी है। अब इसमें डालूंगा मैं कलेजी जो मैंने इसमें मसाले डालकर रख लिया था। ये देखिए अच्छे से भून रहा हूँ मैं कलेजी। अब इसमें डालूँगा मैं टमाटर 2 चॉप करे हुए। अब इसमें डालूँगा मैं
कोथमीर, पुदीना, अब इसमें डालूंगा मैं दही जो मैंने फेंट कर रख लिया था। दही को भी मैं अच्छे से भून लिया हूँ और ये देखिए साइडों से भी तेल आ चुका है। अब इसमें मैं हरी मिर्च डालकर दम पर ढक्कन डाल कर रख दूंगा 10 मिनट के लिए। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूंगा मैं। पर मैं ढक्कन डाल कर दम पर रख देता हूँ 10 मिनट के लिए। ये देखिए दम पर अच्छे से तेल आ चुका है और ये देखिए ग्रेवी कितनी अच्छी बनी है। ये देखिए मसाला कलेजी बनकर रेडी है। अब इसे मैं डिश में निकाल लेता हूँ। माशाल्लाह ये देखिए मसाला कलेजी बनकर रेडी है। ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। अस्सलाम वालेकुम।